प्रभु, आपने इतने सालों बीजेपी पर नजर रखी है, आरएसएस के अंदर खाने क्या होता है उससे आप वाकिफ हैं। बीजेपी में भी, बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, संगठन की अपनी मजबूती है, धन की कोई समस्या नहीं है, करिश्माई नेतृत्व है, एक लंबी कतार है काबिल नेताओं की, वो बातें सिट्रस पैरबस अजम्पशन लगाते हैं, कीपिंग देम कांस्टेंट। आप तो अर्थशास्त्री भी हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, पर क्या अरविंद केजरीवाल अंदर खाने जो थोड़ी कुलबुलाहट है, बहुत सारे गुट बन रहे हैं कि जी नितिन गडकरी नाराज हैं, राजनाथ सिंह बड़ी शालीन चुप्पी आजकल सादे बैठे हैं, आरएसएस के लोग भी पूरा तन मन धन से वो प्रचार में नहीं लग रहे हैं, उन बातों को भी कुरेदने की कोशिश करते दिख रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? देखो, अरविंद केजरीवाल को अगर मैं चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये एक शंका पैदा करने की कोशिश की है वोटर्स के मन में कि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी को वोट दो, मोदी चार सीट मांगने आए, ये मोदी के लिए वोट है। तो वो पूछ रहे हैं ये मोदी के लिए वोट नहीं है, आप इस बहकावे मत आइए कि आप मोदी के लिए वोट कर रहे हैं, आप अमित शाह के लिए वोट कर रहे हैं, कि वो एक डाउट पैदा करके मोदी से उठा करके कि मोदी को वोट मत दो, अमित शाह को वोट क्यों दे रहे हो भाई। उन्होंने एक डाउट पढ़ने की कोशिश की है कि वो कहते हैं मोदी जी तो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर हैं, 2025 में 2026 में जो भी होगा, ये नैरेटिव उनका हो सकता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और अमित शाह के प्रति नेगेटिविटी हो सकता है ज्यादा है, ये उनके दिमाग में है, तो इसलिए वो एक नैरेटिव पढ़ रहे। दूसरी बात आपने कही कि आरएसएस की बात है, आरएसएस भी इंडिविजुअल के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा देश है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार अडवाणी जी प्रधान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले कि मैं ज्यादा बात नहीं बताता कि सीक्रेट कई बार होते हैं, बताने नहीं पड़ते। जब कोशिश की उनके यहाँ बर्थडे था, मोहन भागवत वहां पर आए हुए थे, ये बात की बात है, जब हट गए थे तो क्या हुआ था, अध्यक्ष थे पार्टी के, वहां पर बात हो रही थी, और वहां थे पाकिस्तान से कोई आ गए, आपको याद है उन्होंने कहा था कि सेकुलर कंट्री है ये है, और चीना की स्टेटमेंट के ऊपर। तो अमित शाह जब वहां पर बर्थडे हो रहा था अडवाणी जी का, मोहन भागवत थे, सारी लीडरशिप थी, और वो उस वक्त पाकिस्तान से आए थे, अध्यक्ष हटाने में उनको 4 दिन लगे, सबको लगा या मोहन भागवत आ गए आप कहां से हटेंगे वो। तो मेरे को लगता है कि आरएसएस जब किसी चीज पे फैसला करती है तो किसी भी व्यक्ति आरएसएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मोदी जी क्योंकि आरएसएस का एजेंडा जो है 100% नहीं 200% को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के बाकी कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, सब चीजें हट गई, इसलिए उनके अंदर कोई भी परिवर्तन की चाह नहीं है। आज जिस स्थिति पर पहुंचे हैं बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग, वो बिकॉज ऑफ मोदी पहुंचे हैं, मोदी ने उनका 100% एजेंडा पूरा कर लिया है, इसलिए। और दूसरा, योगी जो हैं वो लगते ही हिंदू हैं, वैसे ही बोलते भी हिंदुओं की भाषा है, परंतु वो शालीन भाषा आजकल बोलते जरूर बोल रहे हैं। अमित शाह थोड़े एग्रेसिव हैं, पिछले 3 दिन से अगर आपने देखा है, अमित शाह ने हैदराबाद के अंदर जो बोला, जो आजकल बोल रहे हैं, उन्होंने नैरेटिव को टोटल हिंदू नैरेटिव दे दिया है, मोदी जी भी उसी की भाषा को बोल रहे हैं। तो फिर वो कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि मंगलसूत्र क्यों डिस्कस हो रहा, मंगलसूत्र कितने दिन बाद आपने उठाया, आपने 15 दिन के बाद, मंगलसूत्र एक दिन आया, 2 दिन चला, उसके बाद गायब हो गया। अब नैरेटिव में हम फिर एक कॉमन जब समरी करते तो डिस्कस करते हैं, तो हर स्टेज पे आपको नए मंगलसूत्र मिलेंगे, नई मालाएं मिलेंगी, और यहाँ पर जो सिर्फ अमित शाह का नाम नहीं लिया, साथ ही होता जाएगा। एक मिनट प्रभु, अमित शाह का नाम ही नहीं लिया बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी जोड़ दिया कि अगस्त में इनकी छुट्टी कर दी जाएगी, ये जैसा विनोद कह रहे थे कि पहले चरण से पहले इसकी चर्चा बहुत थी। जो आपने कहे, देखो पद, मैंने कहा कि इस आपको, हम पत्रकार, आप भी सीनियर हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा सीनियर हूँ 45 साल के, तो मैं ये बात, मैंने कि जो भी आज पहले चर्चा होती थी अडवाणी जी की या उनकी, तो हम लोगों को पता होता था, हम लोगों से बातें होती थी तब पता लग जाता था। अब 2 लावों के अलावा कोई बात ही नहीं करता है, पत्रकार जिस तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं आप देख रहे हैं, सवाल और जवाब देखे जा रहे हैं, किसी पत्रकार को किसने बताया, राजनाथ जी बोलते नहीं हैं, गडकरी ने मल्ला कर दिया है, अमित शाह के पास वही लोग जाते हैं, बताया जाता है, किसने इनको बताया कि बदलने की बात हो रही है, ये गैस लगाए जा सकते हैं ना। पहले तो था कि हम लोगों की अप्रोच थी, मैं तो जिसके पास मर्जी चला जाता था, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मैं जाता था, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती थी, वही लोगों के साथ राजीव गांधी के साथ हुआ, परंतु अब जो है नैरेटिव बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, तो नैरेटिव बदल गया है, राजनीति की पिच भी बदलने की या बॉल अलग तरह की डाली जा रही है। आपको जोड़ना चाह रहे थे विनोद अग्निहोत्री। मैं ये कहना चाह रहा था कि भले हम आप गंभीरता से केजरीवाल के बयान को लें या ना लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए अमित शाह ने उसका तुरंत रिबटल दिया, जवाब दिया,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इस तरह के बयानों का चुनाव पे क्या असर हो सकता है, वरना वो इग्नोर कर सकती थी, उनको जरूरत नहीं थी कोई जवाब देने की कि ठीक है बोल गए। लेकिन तुरंत अमित शाह ने जो जवाब दिया है, देश के गृह मंत्री है, पार्टी के नंबर दो के नेता है मोदी जी की तरफ से, तो इसका मतलब भाजपा के शीर्ष स्तर ने इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया। ABP News आपको रखे आगे।